तक समाचार। जैसे कि तीन दिनों से लगातार ईडी की पूछताछ राहुल गांधी से जारी है और इसीलिए पूरे देश में कांग्रेस के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो सड़कों पे उतर आए हैं और इस विरोध में वो अपने प्रदर्शन को कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे कैसे जो कांग्रेस के नेता है और उनके कार्यकर्ता है वो सभी सड़कों पे उतर आए हैं, इस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे सत्याग्रह आंदोलन का नाम दिया जा रहा है इनके द्वारा, लेकिन क्या ये सच में सत्याग्रह आंदोलन है? क्या सच में ये सत्याग्रह का आंदोलन है? ये सबसे बड़ा सवाल अभी उठता है और हम इनसे अभी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका इन सब चीजों पे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, लोकतंत्र पर लठ तंत्र हावी हो रहा है, उसके विरोध में जिस तरह से कल हमारे पार्टी के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च रूपी AICC मुख्यालय पे दिल्ली पुलिस के द्वारा हमला किया गया, उसके विरोध में आज हम लोग राजभवन का घेराव कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितने लोगों में आक्रोश है, कितनी भारी संख्या में लोग आज उपस्थित हुए हैं। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र को लठतंत्र में बदलने का जो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है उसको किसी भी हालत में हम रोकने का काम करेंगे। जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उसको गुलाम बनाने की जो साजिश चल रही है उसको भी हम रोकने का काम करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जब भी कोई घेराव करते हैं तो पुलिस का अपना दायित्व तो होता है। हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, हम नाथूराम गोडसे के वंशज नहीं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो और वो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग कोई भी मनमानी करेगा तो सड़क से लेके सदन तक, सदन से लेके न्यायपालिका तक, सभी जगहों पर। आपने सुना क्या कुछ कहना है कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का? इन्होंने कहा है कि हम सरकार को जो जांच एजेंसियां, स्वतंत्र जांच एजेंसियां है उसे अपने अधीन नहीं होने देंगे और हम गांधीवाद परिवार से है, ना कि नाथूराम गोडसे के परिवार से। तो ऐसे में हम इस प्रकार सड़कों पे बैठ के अपने जो प्रदर्शन को दिखाएंगे, ना कि आक्रोशित होकर के और चीजों को खराब करेंगे। और देखते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है इस पे। अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आज हमारा दुर्भाग्य है कि राज्य में हमारी सरकार है और राज्य में महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, कहा जाता था कि हम गोरों से स्वतंत्र नहीं है, हमें आज़ादी नहीं मिल रही थी, हम उनसे भी लड़े थे और आज गोरों के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए हैं जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि अगर इतना ही आपको संवैधानिक पद का एहसास है और इतने ही आप प्रधानमंत्री के सोच वाले हैं तो आपको अपने भाजपा के नेताओं पे भी ईडी बैठाने की जरूरत है, उन पे भी जांच कराइए, तब मैं जानूं कि कौन से नेताओं पे जांच कराने की जरूरत है, जरा आप बताइए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो एक महिला नेत्री, मैं स्मृति ईरानी की ही बात करती हूँ कि स्मृति ईरानी जैसी महिला बहुत सारा घोटाला कर बैठी हुई है और उसको जांच करने का विषय है। वो जांच करे, सच्चाई सामने आएगी। और अपने, मैं पूछती हूँ कि क्या आपके नेता दूध के धुले हुए हैं? आप हमारे नेता से 8-8 घंटा पूछ रहे हैं, क्या ऐसा पूछताछ हो रहा है जिसके बहाने आप उन्हें प्रताड़ना कर रहे हैं? कौन सी ऐसी पूछताछ की प्रक्रिया है जो खत्म नहीं हो रही? मैं आरोप लगाती हूँ कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसा इनकी भी हत्या करने की साजिश हो रही है। तो जरा आप ये बताइए जैसे आपने स्मृति ईरानी जी लगाया है कि उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, उन पर जांच करने की आवश्यकता है, तो बताइए जरा क्या कुछ घोटाले इनके द्वारा किए गए? इसीलिए मैं ईडी की जांच की मांग कर रही हूँ। अच्छा, इसीलिए आप ईडी की जांच की मांग, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी कि क्या घोटाला उनके मंत्रियों ने और भाजपा के नेताओं ने किया है। विपक्ष का कहना है कि ये जो सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है
ये सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है क्योंकि ईडी की पूछताछ राहुल गांधी जिसे जारी है, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। तो कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। बिल्कुल मैं इसका खिलाफ हूँ। कांग्रेस कभी भी हमेशा कांग्रेस गांधीवाद को लेके चली है और कभी एक ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग कि कांग्रेस ही देश के लिए आज उसको सुई से लेके जहाज तक बनाने वाली कांग्रेस है, मजदूरों को सुरक्षा देने वाली कांग्रेस है, रोजगार को देने वाली, एडुकेशन, आईटी सेक्टर सबको बढ़ाने वाली कांग्रेस है। तो कांग्रेस कैसे भ्रष्टाचारी हो सकती है? आप देखिए आज गैस के लिए हमारी हर चीज के लिए लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो आप सुन पा रहे हैं कैसे यहाँ पे जो महिला है मौजूद है, कांग्रेस की कार्यकर्ता है ये सभी, और इनका कहना है कि स्मृति ईरानी जिन्होंने बहुत सारे घोटाले किए हैं, ये कांग्रेस की नेताओं का कहना है, उन पे ईडी की जांच होनी चाहिए, ना कि राहुल गांधी पे। और जो 8-8 घंटे पूछताछ चल रही है, ये पूछताछ क्यों हो रही है उनसे? इतने घंटों तक ये पूछताछ आखिर राहुल गांधी से क्यों हो रही है, ये कहना है इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और अब सवाल ये भी उठता है कि जो इनका कहना है, क्या ये कहना सही है? जिस हिसाब से ये यहाँ पे आंदोलन कर बैठे हैं, एक आंदोलन हुआ था गांधी जी के समय, उस आंदोलन में पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा था, पूरे देश में अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए वो आंदोलन किया गया था। लेकिन अब जो कांग्रेस के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, वो आंदोलन क्या समझा जाए? ईडी की एक तरफ जांच होती है और ईडी की जांच में राहुल गांधी से सवालात किए जाते हैं, उन पे सवालात उठते हैं, तो इस पे कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर आती है। आप देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से, मैं दिखाना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर आती है और उनका कहना है कि इस तरीके से हमारे नेता के साथ नहीं होना चाहिए। आखिर ये कहां तक सही है, ये जो बात है आखिर कहां तक सही है? कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा सबरंग समाचार। ईडी की कार्यवाही हो रही है, सवाल उनसे वो पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से, और इस पे कहीं ना कहीं जो पार्टी है उनका आक्रोश है और सड़कों पे आए हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी तरह का कानूनी एक कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए तभी जा करके उनको बुलाना चाहिए, लेकिन फिर भी चूँकि जांच एजेंसी है अगर बुला रही है तो राहुल जी जा रहे हैं। लेकिन ये बार बार बुलाना, ये परेशान करना है, ये नीचा दिखाना है, ये केंद्र सरकार जो है, जो केंद्र सरकार को नेतृत्व कर रहे हैं श्री मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि हमारी जब सरकार थी तो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे किसी को ठेस पहुंचा हो, लेकिन ये लोग जब से यहाँ पे सरकार में आए हैं, इन लोगों की बस एक ही नीति रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को ख़त्म किया जाए, उनको नीचा दिखाया जाए, उनके नेता को परेशान किया जाए। आप बताइए, जितने भी इशूज़ हैं, सारे इशूज़ पर केंद्र सरकार फेल्योर रही है, उन सारे फेल्योरनेस को दबाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, और इस तरह की काम कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ देश में परसेप्शन बन रहा है, उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल एक और उठता है कि विपक्ष कह रही है कि एक परिवार के लिए पूरी पार्टी सड़कों पे उतर आ रही है और विकास के लिए अगर उतरती तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, हमेशा हम लोग जब भी तेल महंगा हो, डीजल महंगा हो, या रोजमर्रे की चीजें महंगी हो, जितनी चीज, जब ये कांग्रेसी पार्टी अकेले है जो पूरे देश में सड़क पे उतर करके प्रोटेस्ट किया है और सदन में भी प्रोटेस्ट किया है, दूसरी कोई पार्टी नज़र नहीं आई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे कहीं पे भी हो, कांग्रेस पार्टी ही है, महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो, या केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हो, जो कांग्रेस पार्टी आगे आकर के बोलती रही है, ये कहना गलत है। चूंकि उनके पास अब कुछ मसाला है नहीं बोलने के लिए, तो कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे, और ये जान ले कि कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है, नौजवान उनके साथ है, और जब जब उनको ईडी बुलाएगी तब तक इसी तरह से सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष होगा और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, चूंकि वो बिल्कुल ही इनोसेंट हैं, ईमानदार हैं, सच्चे।
सत्याग्रह आंदोलन एक समय जब देश को आजाद करने की मुहिम के लिए हुआ था, और अब ये जो सत्याग्रह आंदोलन इसका नाम दिया जा रहा है, राहुल गांधी के साथ सारे कार्यकर्ता उतर आए हैं, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, ये सत्याग्रह है और सत्याग्रह की तरह चल रहा है। लेकिन जिस तरह से उत्तर ये दिल्ली पुलिस ने हमारे सीनियर लीडर के साथ AICC में जिनका दफ्तर है, कार्यालय है, वो लोग AICC जाना चाह रहे थे अपने दफ्तर में, उनको रोका, उनको मारा। वो पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की पसली को तोड़ दिया गया। अशोक गहलोत जो CM है उनको धक्का मुक्की किया, न जाने कितने भी MPs को मारा गया। ये दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे इस तरह का काम कर रही है, जो बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ED के बाहर कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे कल दिल्ली में, उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, टायरों को जलाया जाता है ED के बाहर, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों नहीं किया जाएगा? आप जबरदस्ती बुला करके उनको परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं। आपका उत्तर नजर आ रहा है, हमें भरोसा है, तभी तो राहुल जी आज जा रहे हैं, हम गलत नहीं है, तभी तो राहुल जी वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर वो गलत होते, डर से दुबके रहते, हम घर में घुसे रहते, लेकिन हम गलत नहीं हैं, इसलिए हम हर दिन उनका साथ देंगे। हम लोग सब साथ हैं, हम लोग कानून से पढ़ के नहीं। विपक्ष का कहना है कि एक परिवार के लिए पूरी पार्टी सड़कों पे उतर आई है, अगर यही विकास के कार्यों के लिए सड़कों पे उतरती तो ज़्यादा अच्छा होता, इसमें क्या कहें? 70 सालों से कांग्रेस ने जो विकास किया, आप हमें दिखाएं कि आप 14 साल में क्या किए। आज मोदी जी एक विकास कर, हर चीज़ तो बेचने का काम किया उन्होंने, क्या विकास किया है, कहाँ पर विकास है? आपको कहीं दिखता? आप खुद बताइए कि आपको कहीं पर विकास दिख रहा है? क्यों नहीं आगे बढ़ के विकास, भारत को विकास का रास्ता दिखाते हैं? क्यों सब एजेंसियों को बेचने का काम किया? क्यों इन्होंने ED को अपने अधीन कर लिया? हम ये उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। बहुत तो आप सुन पा रहे हैं कि किस प्रकार लोग आक्रोश में हैं और ED को कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार के साथ है, केंद्र सरकार की इनके साथ साजगांठ है, इसीलिए ये सारी चीज़ें ED के द्वारा करवाई जा रही है और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद है भाजपा के प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय जी, और अभी जो ED की पूछताछ के बाद झारखंड में जिस तरीके से सड़कों पे उतार आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, और जिस तरीके से वो बैरिकेडिंग के पास बैठे हैं, और उस आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, इस पे हम इनसे चर्चा करेंगे। ED के द्वारा राहुल गांधी जी से पूछताछ लगभग 3 दिन हो चुके हैं, जारी है, और इसी के संदर्भ में जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता है वो सड़कों पे उतर आए हैं, और उनका कहना है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही है और राहुल गांधी जी के साथ इस तरीके का न्याय कर रही है, वो उन्हें नीचा दिखा रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब जब कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, अब ये लोग अपना भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए तरह तरह के हथगंडे अपना रहे हैं। ED और जो भी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, इन पर इनका भरोसा नहीं है, और भरोसा इसलिए नहीं है कि ये सब लोग कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। रांची में भी जब इस तरह का कार्य हुआ था तो भी लोगों ने विरोध किया था, और आज जब दिल्ली में ये बातें हो रही है तब भी लोग यहाँ उतर के विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध का नाम वो सत्याग्रह दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बार गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था तो बात समझ में आती थी कि देश को आज़ादी के लिए किया था। ये कौन सा इशू लेके, कौन सा विषय लेके ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्याग्रह पर बैठे हैं? किसके समर्थन में बैठे हैं और क्या किस कारण से बैठे हैं, ये आप खुद समझ रहे हैं। यहाँ की जनता सारी बातों को समझ रही है। कांग्रेस के अधिकांश नेता, आप देख रहे हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में इनके ऊपर ED का पूछताछ चल रहा है, इसको छिपाने के लिए, इसको दबाने के लिए ऐसा काम भी लोग कर रहे हैं, और इनके पास और कुछ उपाय है नहीं। ये जग जाहिर हो गया है, इनके चेहरे उजागर हो गए हैं, जनता सारी बातों को समझ रही है और देख रही है। अब सवाल ये उठता है, पूरे विपक्ष का एक आरोप है, उनका कहना है कि पिछले 8 वर्षों से जो ED की रडार पे हमेशा जो खड़े रह रहे हैं विपक्ष के लोग खड़े हैं, और जो केंद्र सरकार है, जांच एजेंसियां उनके साथ है, उनके इसीलिए इसका फायदा उठा के ये जान पूछ के ये कार्रवाई करवा रही है, तो इस पे क्या कहना है आप? देखिए, यदि इनको ऐसा लगता है, इनको खुल के नाम बताना चाहिए,
खुल के इसका विरोध करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि कौन लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है और किसको बचाया जा रहा है। नाम इन्होंने लिए हैं, नाम में बड़े नेता मौजूद है, स्मृति ईरानी जी का नाम लिया गया है। कहा है कि उनके द्वारा ईडी की मतलब उन्होंने कई घोटाले करे हैं, तो ईडी की जांच उन पे होनी चाहिए, उन्हें समन भेजे जाना चाहिए, ना कि राहुल गांधी को परेशान करना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी ये संस्थाएँ हैं अपने हिसाब से काम करती हैं, यदि उनको लगेगा कि कोई आदमी इसमें एक्यूज है, इनके ऊपर जाँच होनी चाहिए, तो जाँच होती है। इसमें कोई पार्शलिटी थोड़ी होता है, प्रशासन अपना काम करता है और करता रहेगा। जो राहुल गांधी के समर्थन में लोग उतर गए हैं सड़कों पे, उनके कार्यकर्ता हैं, और इसे कहीं ना कहीं अगर ये समर्थन में विकास को लेकर उतरते तो क्या ये चीज़ें सही रहती? इस पे क्या कहें? बिल्कुल, जब कभी भी आदमी को, खासकर पॉलिटिकल पार्टी को, जनता की समस्याओं के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए यदि आंदोलन करता है तो वो बात समझ में आती है। लेकिन अब कोई संस्था है, सरकारी संस्था है, वो जांच कर रही है स्वतंत्र रूप से, भ्रष्टाचार पे जांच कर रही है, किसी से पूछताछ कर रही है, इसमें कौन सा विरोध का मामला बनता है हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन ये सब भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आप हमेशा देखते हैं कि जब कभी इस तरह की बातें होती है ये लोग खड़े हो जाते हैं। अरे, जनता के समस्या के लिए खड़े हुए, जनता के समस्या के लिए लड़िए, तो कुछ समझ में आता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप, समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन केवल आप दिखावे के लिए, अपने बचाव के लिए इस तरह का आंदोलन कीजिएगा तो कहाँ से उपयुक्त है, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। तो क्या लगता है कि अब जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या किस तरफ जा रही? अब देखिए, जिस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, स्वतंत्र एजेंसी जाँच कर रही है, इसके ऊपर इनका भरोसा नहीं है, और उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, इसका नाम आप ही ने बताया कि सत्याग्रह दे रहे हैं, तो ऐसा इनका आंदोलन है, ऐसा इनका सत्याग्रह है, तो देखिए इसका क्या होता है। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जो सत्याग्रह आंदोलन एक समय पे बापू ने किया था पूरे देश के लिए, और देश को एकजुट होकर के अंग्रेज़ों को देश से हटाने के लिए, लेकिन इस बार जो सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये सत्याग्रह आंदोलन राहुल गांधी को समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में किया जा रहा है, और ये सत्याग्रह आंदोलन ईडी के खिलाफ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें जारी है, आखिर ये जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो किन के साथ है? क्या वो भ्रष्टाचारियों के साथ है, या फिर वो इस तरीके का समझ ही नहीं पा रहे हैं और अपने अंधभक्त होकर के सड़कों पे उतर आए हैं?